क्वेश्चन नंबर सिक्स मेनी एनिमल्स आर किल्ड एंड द पार्ट्स आर सोल्ड मैच द एनिमल्स विद द पार्ट फॉर विच दे आर किल्ड एलिफेंट को मारा जाता है उनके टस्क को पाने के लिए टस्क उनके सफेद रंग के दांत होते हैं जो दिखने में बहुत ही खूबसूरत होते हैं और इन्हीं को बेचने के लिए हंटर्स और पोचर्स एलिफेंट का शिकार करते हैं नंबर टू राइनोसिरोस राइनोसिरोस को उनके नाक के ऊपर के हॉर्न को पाने के लिए मारा जाता है नंबर थ्री क्रोकोडाइल क्रोकोडाइल इज स्किल्ड टू गेट इट्स स्किन नंबर फोर डीर डीर इज स्किल्ड टू गेट द मस्क फ्रॉम इट्स बॉडी एंड इज स्नेक सांप को भी उसके स्किन को पाने के लिए मारा जाता है क्वेश्चन सेवन कैटेगराइज द फॉलोइंग थिंग्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्मेल एज गुड और बैड एंड फिल इन द कॉल बिलो यहाँ पे एक बात मैं बताना चाहूंगी कोई भी स्मेल गुड या फिर बैड नहीं होती वो डिपेंड करता है की आपका बॉडी उस स्मेल को अच्छा मानता है या बुरा यहाँ पे दिए हुए आइटम्स के आधार पे गुड स्मेल होगा फ्लावर्स का कॉफी का पिक्कल का सोप का और बैड स्मेल होगा गार्बेज डब डर्टी सॉक्स रोटन फूड फिश और रॉ एग्स पेट्रोल को मैंने यहाँ पे कहीं पे भी इंक्लूड नहीं किया है क्यूँकी मेरे सर्वे के हिसाब ऐसी कुछ लोगों को पेट्रोल की स्मेल अच्छी लगती है और कुछ लोगों को पेट्रोल की स्मेल गंदी लगती है क्वेश्चन एट गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग बिहेवियर ऑफ एनिमल्स इन पिक्चर वन वी कैन सी एज यू वॉकड पास्ट अ स्लीपिंग डॉग इट्स शूट अप एट वंस किसी भी सोते हुए डॉगी के नजदीक से अगर तुम बहुत ही धीरे से चलो फिर भी उसके कान खड़े हो जाते हैं ऐसा क्यों बिकॉज डॉग्स हैव सुपर सेंस ऑफ हियरिंग डॉग्स कैन हियर इवन द स्लाइटेस्ट ऑफ साउंड नंबर टू यू वेर ईटिंग इन द प्ले ग्राउंड एंड एन ईगल सडनली फ्ल्यू डाउन एंड टुक अवे योर रोटी ऐसा क्यों ईगल को इतनी दूर से तुम्हारी रोटी का टुकड़ा कैसे नजर आया ईगल हैज सुपर सेंस ऑफ साइट दे कैन सी फोर टाइम्स एज फार एज वी कैन नंबर थ्री डॉग्स स्निफिंग हेयर एंड देयर ऑन द रोड डॉगी को अक्सर आपने यहां वहां सूंखते हुए और यूरिन करते हुए देखा होगा ऐसा क्यों क्योंकि डॉग्स हैव सुपर सेंस ऑफ स्मेल दे कैन स्मेल द प्रेजेंस ऑफ अनदर डॉग इन एरिया बाई द स्मेल ऑफ देयर यूरिन और पुप नंबर फोर सी एनिमल्स सडनली बिहे इन अ डिफरेंट मैनर समुंदर की मछलियों का अचानक ही अजीब सा बिहेव करना हमें किसी डेंजर की आशंका को बताता है फिशेस कैन फील एन अपमिंग डेंजर एंड सो दे गिव इलेक्ट्रिकल सिग्नल टू वॉर्न अदर्स नंबर फाइव बर्ड्स मूव देअर नेक वेरी ऑफन अक्सर चिड़ियों को हमने यहाँ वहां सर को हिलाते हुए देखा होगा बिकॉज बर्ड्स कैन नॉट मूव देअर आइज

कलर्स नजर आते हैं क्योंकि ये दिन के समय जागते हैं और जो एनिमल्स रात के समय जागते हैं उन्हें ब्लैक एंड वाइट में नजर आता है जैसे फॉक्स बैट और आउल क्वेश्चन टेन राइट शॉर्ट नोट्स नंबर वन डिफरेंसेस इन स्लीपिंग टाइम ऑफ द एनिमल्स डिफरेंट एनिमल्स हैव डिफरेंट स्लीपिंग टाइम अ स्लॉथ स्लीप्स फॉर अबाउट सेवेंटीन आवर्स इन अ डे अ अकाउ स्लीप्स फॉर फोर आवर्स अ पाइथन स्लीप्स फॉर एटीन आवर्स अ जिराफ sleeps for 2 hours and a cat sleeps for 12 hours in a day number 2 alarm calls given by different animals langurs make special sound to warn other animals of the dangers birds make different sounds to warn others of the dangers fishes give electric signals to warn about a danger and dolphins use echolocation to communicate with each other next question why are lizards not seen in winters lizards go on a long deep sleep in winters which is called hibernation to protect themselves from cold that is why they are not seen in winters number 2 why are dogs used in special search operations by police dogs have super sense of smell दैट इज वाई दे आर यूज बाई पोलिस टू सर्च लॉस्ट थिंग्स और थीव्स क्वेश्चन थ्री हाउ कैन मोस्ट ऑफ द बर्ड्स सी टू डिफरेंट थिंग्स एट अ टाइम आईज ऑफ द बर्ड्स आर फिक्स्ड ऑन इधर साइड ऑफ देयर हैड सो दे कैन सी टू डिफरेंट थिंग्स एट अ टाइम लेफ्ट साइड वाली आँख से वो लेफ्ट साइड देख सकते हैं और राइट साइड वाली आँख से वो राइट साइड देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन वाई डू स्नेक्स रिएक्ट टू साउंड ऑल डो नॉट हैव एक्सटर्नल ईय सांप के तो हमें बाहर से कान नजर नहीं आते लेकिन फिर भी वो साउंड को सुनकर बीन की आवाज को सुनकर क्यों रिएक्ट करते हैं स्नेक्स कैन फील द वाइब्रेश और मूवमेंट इन द एयर विद देयर सुपर सेंसिटिव स्किन विच इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू सम काइंड ऑफ साउंड दैट इज वाई देर रिएक्ट क्वेश्चन फाइव हाउ डिड द ट्राइब्स Living in Andaman Islands managed to save themselves from the tsunami because they observed the behavior of the fishes living in the sea who behaved differently to warn against the dangers of tsunami.